दोस्तों अच्छी बात यह है कि क्रोएशिया जो है अब नए सिरे से जॉब्स वैकेंसीज निकालना चालू कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं वार वगैरह के वजह से अभी कुछ दिन से वैकेंसीज आना बंद हो गया था, वैकेंसीज कम आ रहे थे। बहुत लोग आप में से बहुत लोगों का ये कंप्लेन था कि मेरा वीजा नहीं आ रहा है। कोई बोल रहा था कि मैं पंजाब से अप्लाई किया हूँ, कोई बोला था मैं दिल्ली से अप्लाई किया हूँ, कोई बोला था मैं चेन्नई से अप्लाई किया हूँ। बहुत दिन हो चुका मेरा वर्क परमिट ले वेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपका सारा जो भी वेटिंग पीरियड था वो अब खत्म हो गया है समझिए, क्योंकि अभी जो नया सिरे से वैकेंसीज आना चालू हो गए हैं और अभी बहुत ज्यादा ओपनिंग्स आना चालू हो गया है। जैसे कि चाहे आप शेफ की बात करें, चाहे आप हाउसकीपर की बात करें, चाहे आप F&B सर्विस की बात करें, सभी डिपार्टमेंट में अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, एक्सपीरियंस है, होटल मैनेजमेंट नहीं भी किया हुआ है और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो अब आप कमर कस लीजिए। अगर आपका प्लान है क्रोएशिया में जाके काम करने का तो वैकेंसीज आना चालू हो गया है। पहले दोस्तों सैलरी जो है वो पुणे में मिलता था, लेकिन अब बहुत जल्दी आपको यूरो में मिलने वाला है। अगर आप अभी अप्लाई करते हैं, ये अभी सितंबर का महीना है, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, तो आप जनवरी में आपका फ्लाई हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए जैसे आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास होना चाहिए PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। बिना PCC का आप अप्लाई नहीं कर सकते। मेरे मतलब ये नहीं कि आप जो अप्लाई नहीं कर सकते, जो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए PCC अगर नहीं होगा तो आपका एम्प्लॉयर जो है आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, पहले बात। दूसरा, जब तक आपका PCC नहीं होगा तब तक आप अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको VFS में सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपका प्लान है क्रोएशिया में जाने का तो आप अभी से ही अपना PCC का बंदोबस्त कर लीजिए, मतलब अप्लाई कर लीजिए ऑनलाइन। अभी आप देख रहे होंगे इंडिया में, कहीं मैं चेक कर रहा था कि इंडिया में PCC दोस्तों अभी 1.5 महीना 2 महीने का समय लग रहा है। 1 महीने के बाद आपको मिल रहा है अपॉइंटमेंट और जब तक पूरा प्रोसेस होता है तब तक 2 महीना कंप्लीट हो जाता है। 2 महीना अगर आपको PCC में लग जाता है तो सोचिए कि क्रोएशिया का जो प्रोसेस है वो कितना समय लगने वाला है, ठीक है। हालांकि लास्ट ईयर और इस साल का जो प्रीवियस वीजा था वो बहुत देर हो रहा था, लेकिन अब इतना समय नहीं लगने वाला है। अब जो भी समय लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका PCC के ऊपर लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास PCC रेडी है तो आप जल्द से जल्द क्रोएशिया जा सकते हैं। अभी जो वैकेंसीज आ रहे हैं बहुत ज्यादा, वो है किचन में सू शेफ का, टेबल सर्विस पार्टी का, Commis 1 का, Commis 2 का, किचन हेल्पर का, हाउसकीपिंग अटेंडेंट का, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का, तो बहुत सारा वैकेंसीज आ रहे हैं दोस्तों। अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है और यूरोपियन कंट्री में जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्रोएशिया इज वन ऑफ द बेस्ट चांस नाउ। मैं ये नहीं कह रहा कि बेस्ट प्लेस, बेस्ट चांस ऑल्सो, क्योंकि बहुत जल्द क्रोएशिया जो है वो शेंगेन में आने वाला है। सब कुछ रेडी हो चुका है, थोड़ा थोड़ा डिले हो गया है, ये तो मतलब अक्टूबर तक आ जाना चाहिए, लेकिन अक्टूबर तक नहीं आ पाएगा, शायद ये दिसंबर तक शेंगेन में आ जाएगा। तो जब तक आप जाएंगे, जब तक आपको वीजा आ जाएगा तब तक वो शेंगेन में आ जा रहेगा, तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप नॉन शेंगेन में अप्लाई किए थे और आपको वीजा शेंगेन में आ जाएगा तो जाते ही आपको फायदा ही फायदा है ना, है कि नहीं। तो देर किस बात की, जो भी आपका नियरेस्ट कोई कंसल्टेंट हो, अच्छा रिप्यूटेड वन, जो ट्रस्टेबल हो, ठीक है, कोई अगर कोई दोस्त आपका है तो उनको अप्रोच कीजिए, कोई कंपनी अगर आप जानते हैं ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और जल्द से जल्द क्रोएशिया में अपना एक नया करियर का शुरुआत कीजिए दोस्तों। आशा करता हूं आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन बुक योर काउंसलिंग विद अस, आई विल हेल्प यू हाउ टू गेट अ जॉब एंड अ वीजा फॉर क्रोएशिया। हालांकि मैं वीजा नहीं बनाता, बट आई विल हेल्प यू विथ फुल प्रोसेस हाउ टू डू इट, ताकि आप अपना पैसा और समय दोनों बचा सकें। तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।